राज्य छत्तीसगढ़ जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आगे हैं। 21 जिला पंचायतों में कांग्रेस ने दर्ज की है जीत। 27 जिला पंचायतों में से 21 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। रायपुर में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। डोमेश्वरी वर्मा बनी है रायपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, 21 जिला पंचायतों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 27 जिला पंचायतों में से 21 कांग्रेस के खाते में आई है। तो डोमेश्वरी वर्मा बनी है रायपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी रूपेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूपेश, जिस तरह से 27 में से 21 जिला पंचायतों में कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है, उसके कांग्रेस के खाते में आई है, किस तरह से इस पूरी जीत को देखते हैं? रायपुर का, अगर रायपुर पंचायत की भी बात करें तो वो भी कांग्रेस के खाते में। जी हाँ, जाहिर तौर पे कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है कि एक के बाद एक तमाम चुनाव कांग्रेस जीतती जा रही है और भाजपा उसके आसपास नजर नहीं आ रही है। जो 21 और 6 का आंकड़ा है, उससे ज्यादा दिलचस्प आंकड़ा है वो है 146 जो जनपद पंचायत है, उसमें से जो 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, वो बहुत जबरदस्त जीत है। और इससे पहले आपको याद होगा कि नगरीय निकाय चुनाव में भी एक तरफा कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। हालांकि भाजपा ये आरोप लगाती है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली के जरिए कांग्रेस फायदा उठा रही है गलत तरीके से सत्ता का, और वो जीत दर्ज करती जा रही है। लेकिन जीत जिस तरीके से कांग्रेस को एक तरफा मिली है, भाजपा कहीं खड़ी नहीं समझ में आ रही है, वो अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है और भारतीय जनता पार्टी को इस पर चिंतन करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज की जो रमन सिंह है, उन्होंने अपनी साख बचा ली कि राजनांदगांव और कवर्धा में दोनों जगहों पर जीत दर्ज की। हालांकि दोनों जगह पर बड़े दिलचस्प चुनाव हुए थे, नतीजे बराबरी पर आए थे, उसके बावजूद दोनों के बराबर सदस्य थे, भाजपा ने जीत दर्ज की। बलौदा बाजार में बेहद दिलचस्प तस्वीर समय सामने आई। कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था, उस प्रत्याशी को जीत न मिल करके एक अन्य प्रत्याशी को जीत मिली है, जो कि जनकलाल वर्मा, जो कि पूर्व विधायक हैं, उनके बेटे हैं। तो वहां पर जो अलग अलग खेमे हैं, उनके बीच जो गुटबाजी है, वो सामने नजर आ रही है। क्योंकि वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं जनकलाल वर्मा, और उनके बेटे भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस उससे भी अपने ही खाते में दर्ज कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि भाजपा क्या इस पर बयान आधिकारिक रूप से देती है, क्योंकि अभी तक वो यही बात कहती आई है कि सत्ता का गलत दुरुपयोग हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, और इसी की वजह से कांग्रेस जो है जीत हासिल कर रही है। कि रूपेश, अगर हम देखें, एक तरफ तो भाजपा का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, लग रहा है छत्तीसगढ़ में भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़ होता, यहाँ पे जिस तरह से जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, तो वो रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, फिलहाल भाजपा को खड़े होने की तो जरूरत है, लेकिन मुक्त वाली बात इस लाइन को लेकर के कांग्रेस की खुद की आपत्ति रही है। हालांकि तमाम जीत के बाद जो उनके छुटभैया नेता हैं, वो ये बात कहते रहे हैं, कुछ बड़े नेताओं ने भी ये बात कही है कि बीजेपी मुक्त बस्तर या बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में इस तरह की बात कभी नहीं कही जा सकती है। कौन ये सोच सकता था कि इसी प्रदेश में 2003 में, जब आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी टूट चुकी थी और कांग्रेस एक तरफा हो चुकी थी, उस वक्त 15 साल के लिए उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी? या कौन ये सोच सकता था कि रमन सिंह जैसा कद, जितना बड़ा हो चुका था राष्ट्रीय राजनीति पर वो छा गए थे, वो सिर्फ 14 सीटों तक उनकी पार्टी उनकी अगुवाई में सिमट जाएगी? तो ये राजनीति है, कोई मुक्त नहीं हो सकता। किसी का आज वाकई में, क्योंकि राजनीति में राजनीति का जो ऊंट है वो कब किस करवट बैठ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।